हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। डियर, जैसा कि एक क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को विजिबल होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल भी बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले भी और भी ऑलरेडी लेक्चर कवर अप कर चुके हैं, न्यूमेरिकल का लेक्चर भी कवर अप कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी लेक्चर कवर अप कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जरूर वो सब सारे लेक्चर को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मेरा जरूर देखेंगे। आपको ये न्यूमेरिकल भी वहाँ लेक्चर देखने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को कंप्लीट आप अच्छे से देखें और न्यूमेरिकल को समझें कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है इसमें। चलिए रीड करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले लिखा हुआ ये माइल्ड स्टील रॉड। रॉड किस चीज़ का है, किस मटेरियल का है, फॉर विच मटेरियल? तो माइल्ड स्टील रॉड किस चीज़ का है, माइल्ड स्टील का एक रॉड है। चलिए कोई बात नहीं। अभी इसका है 20 mm जो है वो डायमीटर गिवन है। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि माइल्ड स्टील का जो रॉड है उसका कितना डायमीटर है, 20 mm डायमीटर है। चलिए एक माइल्ड स्टील का रॉड बनाए तो आप समझ सकते हैं। ये सपोज कीजिए, क्योंकि डायमीटर गिवन है तो ऑब्वियस है जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा, बार का जो क्रॉस सेक्शन होगा, रॉड का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है। तो चलिए एक आपका रॉड बना करके यहाँ दिखा ले रफली। ये आपका एक माइल्ड स्टील का सपोज कीजिए रॉड है और ये रॉड जो है इसका डायमीटर 20 mm है। तो पूरा थ्रू आउट लेंथ जो होगा इसका डायमीटर में चेंजेज नहीं आएगा, 20 mm ही होगा। यानी प्रिज्मैटिक रॉड है, प्रिज्मैटिक बार है। यानी थ्रू आउट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जो होगा वो अनचेंज्ड होगा, मतलब सेम होगा, क्योंकि डायमीटर आपका फिक्स लिखा हुआ 20 mm, कहीं चेंज के बारे में नहीं। ये यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए यहाँ पे एक हम दिखा दिए कि 20 mm जो है वो इसका क्या है, डायमीटर है। ये डाया का वैल्यू है 20 mm है, ठीक है। और उसके बाद है इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल। कैसा नेचर का है, एक्सियल, इसके एक्सिस से होकर के पास कर रहा है, पुलिंग नेचर का है। फोर्स जो है वो कैसा नेचर का है, पुलिंग नेचर का है, पुलिंग नेचर का। देखिए पुलिंग नेचर का फोर्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक्सियल पुल का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है 50 kN, 50 kN का एक्सियल पुल इस पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे दिखा दिए कि ये 50 kN का एक्सियल पुल एक्ट कर रहा है। सपोज कीजिए इसका नोटेशन पी, पी से हम पुल को दिखाए हैं पी, ठीक है। और देखिए इसके अलावा भी कुछ दिया हुआ है, डिटरमाइन दी टेंसाइल स्ट्रेस। अब ऑब्वियस है कि आपको ये बता चुके हैं कि यदि लोड आपका टेंसाइल नेचर का होगा, पुलिंग नेचर का होगा, तो जो मटेरियल में स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो 100% टेंसाइल स्ट्रेस ही इंड्यूस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस ही इंड्यूस होगा। जब लोड का नेचर पुशिंग नेचर का होगा लोड, तो उस कंडीशन में मटेरियल में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही इंड्यूस होगा। टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस These two are the type of normal stress. ये normal stress का ही दोनों टाइप है। Normal stress के कंडीशन में आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि normal stress के कंडीशन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और जो पुलिंग या पुशिंग फोर्स होगा वो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 degree का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑलवेज लोड विल बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड विल बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स इफ the load acts perpendicular to the cross sectional area, then the stress induced in the material will be your normal stress. Normal stress may be your tensile type, may be your compressive type. If load nature is pulling, stress induced will be tensile. If load nature is pushing, stress induced in the material will be compressive. थोड़ा सा recall भी हो गया, आप चीजों को समझ गए। चलिए यहाँ पे start करते हैं। Tensile stress इसमें निकालना है, यहाँ पे भी निकालेंगे। Rod का एलोंगेशन इफ द अनलोडेड लेंथ, एक तो निकालना है, स्ट्रेस भी इसमें फाइंड करना है कि कितना इंड्यूस होगा, और साथ ही साथ इलोंगेशन भी फाइंड करना है कि हाउ मच इलोंगेशन ड्यू टू 50 kN लोड एक्सियली, है ना, कितना एलोंगेशन होगा। ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अनलोडेड लेंथ है 5 meter और E का वैल्यू भी गिवन है। E का मतलब अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू गिवन है 200 GN/m².
अनलोडेड लेंथ का मतलब क्या हुआ? अनलोडेड का मतलब जिस कंडीशन में आप लोड अप्लाई नहीं किए हैं रॉड के ऊपर, 50 किलो न्यूटन का लोड नहीं अप्लाई किए, उस कंडीशन में जो इसका लेंथ है वो लेंथ है आपका 5 मीटर। 5 मीटर ये गिवेन है। तो चलिए यहाँ पे आप इजीली दिखा सकते हैं कि लेंथ जो है वो कितना है, 5 मीटर लेंथ है आपका, 5 मीटर लेंथ है। सबसे पहले एक आपको हम एक जनरल बात बताते हैं कि न्यूमेरिकल में स्टूडेंट का कहाँ पे मिस्टेक होता है, जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आप हर एक चीज़ डेटा वगैरह को पुट तो करते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो होता है यूनिट के साथ हो जाता है। यूनिट का बहुत ध्यान दें, जिस अकॉर्डिंग मतलब जैसा आप यदि एमएम में डेटा को ले रहे हैं तो सारी जगह पे आप एमएम में ले, मीटर में कंसीडर कर रहे हैं तो हर एक जगह मीटर में कंसीडर करें, सेंटीमीटर में कंसीडर कर रहे हैं तो हर जगह सेंटीमीटर में कंसीडर करें। यदि आप पूरे न्यूमेरिकल में आप न्यूटन में आप फोर्स को रख रहे हैं तो पूरे न्यूमेरिकल में न्यूटन में ही रखें, कहीं किलो न्यूटन, कहीं गीगा न्यूटन, कहीं न्यूटन ऐसे न पुट करें, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो इस चीज़ का इस न्यूमेरिकल में ख्याल रखें, कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, आप ज़रूर थोड़ा चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए, पहले तो यहीं पे समझिए, आपका दिया हुआ है 200 गीगा न्यूटन। गीगा का मतलब होता है, सभी लोग जानते होंगे कि गीगा का मतलब होता है 10^9, यानी 200 × 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं थोड़ा और भी सिंप्लीफाइड वे में। अब देखिए क्या करेंगे, एक्चुअली में जो रॉड का डायमीटर है डियर, वो दिया हुआ है एमएम में दिया हुआ है। तो सारे डेटा को जो है वो कंसीडर करेंगे एमएम में। तो सबसे पहले तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको भी एमएम में कन्वर्ट करेंगे। तो एमएम में कन्वर्ट कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर 200 × 10^9 है ना, न्यूटन ही रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर 1 meter = 1000 mm। प्यारे स्टूडेंट 1000 mm तो क्या होगा, 1000 × 1000 है ना, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए मीटर स्क्वायर है तो 2 × 1000 × 1000 करेंगे। अब यहाँ से देखिए कैंसल आउट होगा, आप कहेंगे यहाँ पे 6 बचेगा, नहीं देखिए कितना आ रहा है 200 × 10^3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब चाहे तो डेटा को न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी रहने दे सकते हैं, चाहे तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि 10^3 जो है उसी को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। यहीं पे जो है 10^3 ये किस में कन्वर्ट कर दिए, किलो न्यूटन में। दोनों डेटा में कोई भी डेटा पुट कर सकते हैं, बस एक चीज़ का थोड़ा सा आपको बिल्कुल भी केयर करना होगा, वो केयर करना होगा 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, किसके बराबर, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट ये भी वैल्यू है। तो आप यहाँ पे इसका मतलब किलो न्यूटन किसका यूनिट होता है, आप कहेंगे सर फोर्स का यूनिट। तो ये जब किलो न्यूटन फोर्स का यूनिट है तो जो डेटा है 50 किलो न्यूटन उसको एज इट इज पुट करें, उसको न्यूटन में चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन यदि आप न्यूटन में पुट करें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, उस कंडीशन में आप 50 किलो न्यूटन फोर्स को भी न्यूटन में कन्वर्ट कर ले। आप यदि ये डेटा पुट करते हैं अंश मॉडुलस का, तो 50 किलो न्यूटन को आप न्यूटन में कन्वर्ट करें 10^3 मल्टीप्लाई करके। आप यदि ये डेटा पुट करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे किलो न्यूटन में है, तो आप 50 किलो न्यूटन को एज इट इज ही पुट करें फॉर्मूला में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सारा चीज़ हो चुका है यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं है ना, जो नहीं जिनको नहीं पता होगा आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, जरूर आप वहाँ से स्ट्रेस समझ में आ जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन का ऑलरेडी जो है वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आप यहाँ से स्ट्रेस आप जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया या पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया या पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया, ये होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब, यानी कि देखिए निकालना स्ट्रेस, तो लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। अब जानते हैं सिग्मा टी इसका नोटेशन होता है, सिग्मा टी, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या होगा, लोड अपॉन, तो लोड लिख दिए, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हियर योर लोड इज 50 किलो न्यूटन है ना, एरिया का वैल्यू होगा
ऑब्वियस है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। देखिए क्रॉस सेक्शन कैसा है, साइड से आप देख पा रहे हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और लोड और क्रॉस सेक्शन एरिया भी एक दूसरे के 90 डिग्री है, इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कैसे होगा, अब सर्कल के एरिया जानते हैं डायमीटर के फॉर्म में, पाई बाई फोर डायमीटर का स्क्वायर, पाई बाई फोर डायमीटर का स्क्वायर। तो आप चीज़ों को अब देखिए, ये किलो न्यूटन में ना यहाँ पे जो डायमीटर रखेंगे वो ऑब्वियस है डायमीटर एमएम में है, तो ये डेटा जो आएगा वो एमएम स्क्वायर में होगा। तो क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय, अब 50 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, पाई बाई फोर डायमीटर का वैल्यू आप पुट कर दें 20 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगा वो देखिए कैलकुलेटर से आप इस वैल्यू को इसको सॉल्व करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर, दिस इज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, सभी को मालूम होगा कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, इससे आप सॉल्व करें बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम होगा, बीटेक का सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, या फिर आपका डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, कैलकुलेटर 100% अलाउ होता है स्टूडेंट, तो इसलिए कैलकुलेटर आप परचेज कर ही लें। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 50 × 4 को ऊपर लिख देंगे, क्या होगा, पाई इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रहा है ये 0.15, देखिए वैल्यू कितना रहा है, 0.159149 किस में होगा, तो ये किलो न्यूटन में होगा, इस बात का आप ध्यान देंगे, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगा। आप चाहें तो इस वैल्यू को न्यूटन में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो ये वैल्यू आएगा 159.1549 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये दोनों आपका आंसर जो होगा प्यारे स्टूडेंट वो 100% सही होगा, 159.15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, या फिर 0.159149 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये फोर्स का वैल्यू आपका निकल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में करना है हाउ मच एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड, एलोंगेशन निकालना है। एलोंगेशन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, आप यदि टेंसाइल लोड लगाएंगे मटेरियल में तो मटेरियल इलोंगेट हो जाएगा, मतलब लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, आप इतना समझ सकते हैं। आप यदि कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाते तो लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज करेगा क्योंकि पुलिंग नेचर का फोर्स लगा है। तो अब उसके लिए आप डेल एल का, कहने का मतलब है एलोंगेशन का मीनिंग होता है डेल एल का वैल्यू फाइंड करना, डेल एल का वैल्यू फाइंड करना, यानी चेंज इन लेंथ, क्यों लेंथ, क्योंकि लेंथ के अलोंग फोर्स लगा है, तो एलोंगेशन का मीनिंग यहाँ पे लेंथ से ही होगा, है ना, कि डेल एल का वैल्यू कितना होगा ये पूछा गया है। तो डेल एल का वैल्यू देखिए यहाँ से फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड होता है, सबसे पहले तो एक आप जनरल तरीके से फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो दिस इज योर प्रिज्मैटिक बार, एक तो आप समझिए ये कैसा बार है, प्रिज्मैटिक बार है, यानी एवरीवेयर क्रॉस सेक्शन इसका कांस्टेंट है, तो उस तरह के बार को थ्रू आउट लेंथ, इफ़ एवरीवेयर द क्रॉस सेक्शन रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट लेंथ देन दिस टाइप ऑफ बार इज टर्म्ड एज द प्रिज्मैटिक बार। हियर आप देख पा रहे हैं कि एवरीवेयर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बिकॉज डायमीटर डजंट चेंज, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो दिस बार इज कॉल्ड प्रिज्मैटिक बार। तो प्रिज्मैटिक बार के लिए एक डायरेक्टली जो है वो डेल एल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि डेल एल इज इक्वल टू जो होता है वो होता है पी एल अपॉन एरिया इंटू अंक्स मॉडुलस। हियर पी इज योर लोड, एल इज योर रॉड लेंथ या बार लेंथ, ए इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई इज द वैल्यू ऑफ अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विद प्रॉपर यूनिट। आप यूनिट का यहाँ पे बहुत ध्यान रखेंगे, जैसा यूनिट लेंथ का होगा, लेंथ का यदि एमएम में होगा तो ऑब्वियस है अंक्स मॉडुलस का होना चाहिए पर एमएम स्क्वायर में ही, जो भी डेटा होता है। यदि अंक्स मॉडुलस का वैल्यू यहाँ पे देखिए आप पर एमएम स्क्वायर में लिखें, पर एमएम स्क्वायर में, तो लेंथ को आप 100% यहाँ पे केयर करें आप, कि लेंथ को मीटर में गिवन है तो आप मीटर में डायरेक्टली पुट एकदम मत करें, वहां से ही मिस्टेक होता है स्टूडेंट से। आप मीटर में नहीं, वहां एमएम में पुट करें, वाई एमएम में, क्योंकि एमएम स्क्वायर में हम डेटा पुट करेंगे। यदि आप मीटर में पुट करते तो उस कंडीशन में आप मीटर में पुट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि एरिया का वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे वो एमएम में निकल करके आएगा क्योंकि डायमीटर एमएम में है। यदि आप चाहें तो डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, यानी सारे डेटा या तो मीटर में
पुट करें या तो सारे डेटा को आप एमएम में पुट करें, सारे डेटा किलो न्यूटन में पुट करें, सारे डेटा को या तो चाहें तो आप न्यूटन में पुट करें, यही थोड़ा सा केयर करना स्टूडेंट। तो चलिए इस फॉर्मूला से, या तो फिर ये फॉर्मूला से नहीं तो सिंपल आप तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक तो उस फॉर्मूला से आप बिल्कुल वहाँ बना करके देखेंगे। तो इस फॉर्मूले से कैसे होगा, हम विदाउट फॉर्मूला बना रहे हैं 9। देखिए विदाउट फॉर्मूला आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए विदाउट फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सबसे पहले स्ट्रेस का वैल्यू आपको मालूम हो गया है। आप जानते हैं हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ से आपको मालूम है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो स्ट्रेन का वैल्यू होता है या फिर अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस है तो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होता है हुक्स लॉ में। तो यहाँ से स्ट्रेस मालूम है, अंक्स मॉडुलस मालूम है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेन का वैल्यू। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगेन आप ऐसा करें, स्ट्रेन क्या होता है आप प्रीवियस लेक्चर में ही देख चुके हैं, नहीं देखें जरूर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के लिंक को क्लिक करके देखें आप। तो स्ट्रेन होता है सिंपली चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो हियर टेंसाइल स्ट्रेन है यानी कि अलोंग द लेंथ, तो चेंज इन डायमेंशन के प्लेस पे होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये डेटा पॉजिटिव में होगा क्योंकि टेंसाइल है, कंप्रेसिव के केस में चेंज इन लेंथ नेगेटिव होता है। अब लिखेंगे सिग्मा टी अपॉन अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फ्रॉम हियर अब देखिए तो डेल एल का वैल्यू इजीली निकल जा रहा है कितना, तो सिग्मा टी एल डिवाइडेड बाय अंक्स मॉडुलस। देखिए दोनों एक ही है डियर, क्योंकि सिग्मा टी के प्लेस पे आप पी अपॉन ए रख सकते थे तो दोनों एक ही वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, सिग्मा टी का वैल्यू आया है 159.1549, एल का वैल्यू है 5 मीटर, 5 मीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू को जो रखेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दीजिए, 159 ये किस में है, न्यूटन में है, चीज़ों को समझिए न्यूटन में है। तो जो अंक्स मॉडुलस का वैल्यू रखेंगे वो न्यूटन वाला वैल्यू रखेंगे, यानी कि जो ऊपर वाला वैल्यू है न्यूटन में उस वैल्यू को रखेंगे, किलो न्यूटन वाला वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे, यानी रखेंगे 200 × 10^3। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और भी आपको हम समझाते हैं जो बहुत बेसिक है, क्या हो रहा है यूनिट का मीनिंग क्या हुआ। आप 159 को किस में डेटा पुट किया स्टूडेंट, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। आप लेंथ को किस में पुट किए, तो एमएम में पुट किए डिवाइडेड बाय, इस डेटा को किस में पुट किए, तो ऑब्वियस है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही पुट किए। अब ये कैंसल आउट होगा, बचेगा क्या एमएम, तो डेल एल का जो वैल्यू आएगा वो एमएम में आएगा। अब देखिए मिस्टेक क्या होता है, यदि आप 159 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पुट किए थे ये वाला वैल्यू, यदि आप ये वैल्यू जो है मॉडुलस का किलो न्यूटन वाला पुट कर देते तो किलो न्यूटन से न्यूटन नहीं कैंसिल आउट होता ना, फिर आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ता 10^3 से कैंसिल आउट करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बिना मल्टीप्लाई किए, बिना चीजों का यूनिट का क्लियर किए सॉल्व करते, आंसर नहीं मैच करता है, आंसर नहीं आता है। चीजों को यहां से आप केयर जरूर करें, मेरी बातों को आप एकदम गांठ बांध के रखें और केयर करें। चलिए अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एमएम में आंसर आएगा, इस वैल्यू को यहां से आप देखिए तो डायरेक्टली जो है वो 10^3 से 10^3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, और 5 से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 40 से, ठीक है। अब जो डेटा बच रहा है आप इसको केल्सी से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, 159.1549 डिवाइडेड बाय 40, हाउ मच, तो ये वैल्यू जो आएगा देखिए आ रहा है 3.978 समथिंग आ रहा है डियर, 3.978, ठीक है। एमएम होगा, ये एमएम में डेटा होगा, दिस इज योर आंसर। याद रखेंगे कि यहाँ से क्या समझ में आया कि 5000 एमएम का लेंथ था रॉड का, 5000 एमएम का, ओनली उसमें इंक्रीमेंट जो हो गया लोड की वजह से, कितने लोड की वजह से, तो आप देखिए जो लोड लगा है 50 किलो न्यूटन लोड की वजह से जो इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में वो 3.97 अप्रॉक्स 4 mm मान के चलिए आप, अप्रॉक्स 4 mm का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 5000 में 4 mm इंक्रीमेंट हो गया, इतना लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, इसी को इलोंगेशन बोला जाता है। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको जो है वो ये न्यूमेरिकल से बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसी लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल करते हैं, और भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल को इसी लेक्चर में सॉल्व करते हैं डियर। चलिए इसको मिटाते हैं,
सी स्टूडेंट, ये जो है ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है। इससे पहले भी इसी लेक्चर में एक और न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो चलिए इसको रीड करते हैं और समझते हैं। ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से पे बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है ए शॉर्ट हॉलो। देखिए क्या है शॉर्ट, मतलब क्या होता है छोटा, है ना। ये शॉर्ट हॉलो, आपको जिनको विजिबल नहीं होगा, ए शॉर्ट हॉलो कास्ट आयरन सिलेंडर। कैसा है, तो सिलेंडर जो है ये आपका हॉलो सिलेंडर है, कास्ट आयरन का बना हुआ है। ऑफ वाल थिकनेस, उसका वाल का थिकनेस जो है वो 10 mm का वाल थिकनेस है। उसका वाल थिकनेस कितना है, 10 mm का वाल थिकनेस है। और क्या है, इज टू कैरी ए कॉम्प्रेसिव लोड। अब वो जो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, जिसका वाल का थिकनेस 10 mm है, वो कंप्रेसिव लोड कैरी करता है। लोड चूंकि टेंसाइल भी हो सकता है, लोड चूंकि कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। कॉम्प्रेसिव का मतलब पुशिंग नेचर का लोड कैरी करता है। और लोड का वैल्यू गिवन है 600 kN, 600 kN। ठीक है, डिटरमाइन दी आउट साइड डायमीटर, चीज़ों को समझिए। डिटरमाइन दी आउट साइड डायमीटर ऑफ दी सिलेंडर इफ दी अल्टीमेट, देखिए लिखा हुआ अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब आप समझेंगे, अल्टीमेट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस। ऑब्वियस है कि जब मटेरियल पे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव नेचर का लोड लगेगा, तो मटेरियल को क्रश करेगा। कास्ट आयरन क्या होगा, क्रश हो जाएगा। क्रश का मतलब होता है कुचलना सिंपली, पर यहाँ पे क्रशिंग जब भी होगा मटेरियल में तो ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्रशिंग प्रोड्यूस ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस, याद रखेंगे। तो अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस यानी अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी उसको आप कह सकते हैं। तो स्ट्रेस दिया हुआ है मटेरियल का, वो है आपका देखिए कितना, 540 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान देना है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 दिया हुआ है, यूज करने के लिए बोला है कि आप सेफ्टी पर्पज से वर्किंग स्ट्रेस जब फाइंड करें तो उस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज जो करें वो 6 यूज करें, क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं चीज़ें क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने से पहले गिवन डेटा आप तो लिख लें, गिवन डेटा बिल्कुल भी हम अंडरलाइन कर दिए हैं, उसको आप कॉपी में लिख लें अगेन। हम यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए गिवन डेटा को अगेन ना लिखेंगे, पर अंडरलाइन किया हुआ है, आप उसको कॉपी में नोट करें। अब क्या है, हम डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक हॉलो सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा है, तो हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर यहाँ पे एक बनाते हैं, देखिए इस तरीके का हो सकता है कि एक हॉलो सिलेंडर होगा, लेकिन इस तरीके का एक हॉलो सिलेंडर होगा, आप अच्छे से और भी बनाएं। अब ये जो हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर क्या होगा, हो सके तो नीचे से फिक्स होगा। आप ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल कॉलम भी, आप इसको स्ट्रेट बनाएं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप इसको स्ट्रेट बनाएं। ठीक है, जो मीनिंग है, जो जिसका जरूरत है उस पर हम आते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए ये आपका क्या मटेरियल है, जो कि कास्ट आयरन, चूँकि हॉलो है ना, तो ये जो ब्लू से जो हैश किए हैं, ये आपका क्या है, कास्ट आयरन। इसमें कास्ट आयरन का मटेरियल है, जो ब्लू से दिखाए हैं, कास्ट आयरन आपका है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, तो एक्सियली एक लोड लग रहा है, कंप्रेसिव नेचर का लोड अप्लाई किया जा रहा है, एक्सियली आपका कंप्रेसिव। कितने का लोड, तो लोड का वैल्यू है आपका गिवन है 600 kN का लोड अप्लाई किया जा रहा है। ऑब्वियस है कि जो ग्राउंड है ये भी रिएक्शन जो प्रोवाइड करेगा सिलेंडर को, इस केस में वो कितने का रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, 600 kN का रिएक्शन प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिलेंडर पे टू इक्वल एंड अपोजिट जो है कंप्रेसिव नेचर का फोर्स, पुशिंग नेचर का फोर्स एक्ट कर रहा है। अब क्लियरली देख रहे हैं, बहुत क्लियरली। अब देखिए गिवन है क्वेश्चन में कि थिकनेस जो है, यानी कि ये हुआ ना डियर, तो थिकनेस कितना दिया हुआ है, तो टी इज इक्वल टू गिवन है कि मटेरियल का जो थिकनेस है वो 10 mm है। ऑब्वियस है यहाँ पे ही स्टूडेंट गलती करते हैं, चीज़ों को समझें। ऑब्वियस है ना कि थिकनेस जो होगा वो दोनों साइड होगा ना, यानी यहाँ भी तो 10 mm होगा, होगा कि नहीं होगा, या ऊपर देखें तो 10 mm 10 mm दोनों साइड में 10 mm 10 mm होगा थिकनेस। यदि हम यहाँ पे कंसीडर करें कि आउटर डायमीटर, देखिए नीचे में दिखा रहा है, आउटर डायमीटर को मान लें कैपिटल डी इज योर आउटर डायमीटर, और स्मॉल डी जो है वो कंसीडर कर लेते हैं
कौन सा डायमीटर? आपका स्मॉलर डायमीटर या इनर डायमीटर। दिस इज आउटर डायमीटर, दिस इज इनर डायमीटर, आप याद रखेंगे या लिख लेंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन से एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि जो आउटर डायमीटर का वैल्यू होगा कितना होगा। तो आप कहेंगे सर कैपिट स्मॉल डी प्लस 10 प्लस 10 यानी स्मॉल डी प्लस 20, स्मॉल डी प्लस 20 mm जो होगा ये कैपिटल डी का डायमेंशन होगा यानी कैपिटल डी का वैल्यू होगा, ये यहाँ पे समझना था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि यहाँ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना 20, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस 20 mm, है कि नहीं। ये डेटा यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो रहा है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया है तो आप जो है आउटसाइड डायमीटर आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अब देखिए आउटसाइड डायमीटर, सबसे पहले तो स्ट्रेस का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ से समझें मैक्सिमम स्ट्रेस। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, आपको याद भी होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को आप और भी नेम दे सकते हैं, वो होता है परमिसिबल स्ट्रेस। डियर क्या होता है, अल्टीमेट का मतलब हुआ कि मटेरियल का एकदम लास्ट, मतलब एकदम मैक्सिमम किसी भी मटेरियल का, क्योंकि हर एक का कैपेसिटी होता है ना मैक्सिमम, हर एक में होता है कैपेसिटी मैक्सिमम। आप जितनी मटेरियल को मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियस है कि जो मैक्सिमम कंडीशन है उससे एबव प्रोवाइड करेंगे तो मटेरियल टूट जाएगा, मतलब मटेरियल का फेल्योर कंडीशन अचीव हो जाएगा, है ना। तो आप हमेशा क्या सोचते हैं कि मटेरियल का जो मैक्सिमम कंडीशन है उसके विद इन ही स्ट्रेस इंड्यूस हो मटेरियल में ड्यू टू लोड, लोड के वजह से जो मटेरियल में स्ट्रेस इंड्यूस हो वो क्या हो, विद इन मैक्सिमम वैल्यू, विद इन अल्टीमेट वैल्यू, विद इन मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब है कि इसीलिए एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब एक फैक्टर जो कि सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। हियर योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 6। 6 का मीनिंग हुआ कि बहुत ही बेहतर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है। मतलब देखिए आप चीज़ों को समझिए कितना इंटरेस्टिंग है। अब यदि अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू जो गिवन है 540 है ना, अब डिवाइड करेंगे किससे, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से यदि डिवाइड करेंगे इसलिए, तो आपको क्या निकलेगा, तो अल्टीमेट वर्किंग स्ट्रेस का वैल्यू निकलेगा। ये वैल्यू किसका निकल जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस का वैल्यू निकलेगा, या परमिसिबल फैक्टर ऑफ। अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 540 डिवाइडेड बाय 6, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, 90 आ रहा है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम कितना था, अब कहेंगे सर मैक्सिमम 540 था, लेकिन वर्क आप किस पे करेंगे, ओनली 90 पे वर्क करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द स्ट्रेस, है ना, जिसको जिसके रिगार्डिंग जो है, जिसको लेकर के आप पूरा वर्क करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा डायमीटर, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर फाइंड करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग 90 के अकॉर्डिंग, आप 540 के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं करेंगे, चूंकि 540 इज योर मैक्सिमम कंडीशन। आप किसी भी मटेरियल का मैक्सिमम कंडीशन को कंसीडर करके यदि एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं या फिर कोई और भी डायमेंशन फाइंड करते हैं तो वो आपका सेफ कंडीशन का डायमेंशन नहीं होगा, यानी सेफ डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या किए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किए और बिल्कुल 90 को लेकर के करेंगे। सोचिए मैक्सिमम कंडीशन है 540, आप 90 यूज कर रहे हैं, मटेरियल पूरा सेफ है, पूरा सेफ होगा क्योंकि मैक्सिमम से काफ़ी कम है, 90 काफ़ी कम वैल्यू है, मटेरियल बहुत खुश होगा, मटेरियल ऑलवेज क्या होगा, सेफ होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। तो चलिए अब 90 को लेकर के डिजाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 90 मेगा न्यूटन है। अब थोड़ा सा मेगा को चेंज करें, यहाँ पे याद रखेंगे मेगा का मतलब होता है, अब जानते हैं 10 to the power 6, तो 90 इंटू 10 to the power हो जाएगा 6 आपका क्या, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान दें, थिकनेस का वैल्यू mm में गिवन है, बेहतर है mm को मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन मीटर में है।
तो mm को ही मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे और आसान तरीका होगा कि आप इसी मीटर को mm में कन्वर्ट कर दें। दोनों पॉसिबिलिटी, आप यहाँ के मीटर को mm में कन्वर्ट करें या फिर जो थिकनेस का वैल्यू है जिसके हेल्प से डायमीटर फाइंड होगा उस वैल्यू को ही आप कन्वर्ट कर दें मीटर में। तो यहीं पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, चीज़ों को देखें आप अच्छे से। देखिए 90 × 10⁶ न्यूटन है, न्यूटन है ना। मीटर को चेंज करेंगे तो मीटर स्क्वायर है, तो 10⁶ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, तो 1000 × 1000 है ना। तो ये डेटा आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप समझ रहे हैं चीज़ों को। 10⁶ कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसी भी डियर आप प्रीवियस लेक्चर मेरा यदि देखे होंगे आप तो जरूर, न्यूमेरिकल का लेक्चर था जो डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं, तो उसमें हम बताए थे कि 1 मेगा है ना, मेगा पास्कल, क्योंकि मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1 मेगा पास्कल भी तो इसको बोल सकते हैं ना, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल। 1 गीगा पास्कल का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 × 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल। 1 मेगा पास्कल को आप चाहें तो 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 1 गीगा को बोल सकते हैं 1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पास्कल का मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज़ें आप एकदम लर्न करके रखें, एकदम जुबानी आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, क्योंकि ये सब काम बार बार नहीं करना है, अब डायरेक्टली इनपुट करें वैल्यू को। खैर यहाँ से समझ में आ गया, योर परमिसिबल वैल्यू या फिर योर वर्किंग वैल्यू इज 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जब इतना हो गया है तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे इसके बाद वर्किंग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। सो अब देखिए क्या वर्क करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस का वैल्यू आपको मालूम हो चुका है, तो क्या निकालना था इसके कंडीशन में, इस कंडीशन में आपको डायमीटर फाइंड करना था, तो वर्किंग स्ट्रेस यानी कि सिग्मा वर्किंग, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोड लग रहा है नॉर्मल लोड लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो सिग्मा वर्किंग यानी वही है वर्किंग स्ट्रेस, तो क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। हियर योर लोड इज, लोड गिवेन है कंप्रेसिव नेचर का है और लोड गिवेन है 600 kN में गिवेन है। आप जो वर्किंग स्ट्रेस फाइंड किए हैं वो न्यूटन में फाइंड किए हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर दें किस में, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दें, 10³ से मल्टीप्लाई कर दिए। एरिया किस में होगा, तो एरिया जो होगा वो देखिए, एरिया का ध्यान दीजिए, π/4 ब्रैकेट, क्योंकि एरिया जो सिर्फ होगा वो एरिया किसका होगा, देखिए यहाँ पे लिख रहे मटेरियल का, तो एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर π/4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखेंगे कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, चूँकि एरिया मटेरियल का निकालेंगे, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, तो π/4 कॉमन आएगा। यहाँ की बात जो है आपको ऊपर बताते हैं, ये सब डेटा को मिटा देते हैं, आप यहाँ तो समझ ही गए हैं, ये सब बातें आप समझ चुके हैं पूरा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से आप वैल्यू को ऊपर लिख रहे हैं डियर, अब देखिए क्या, वर्किंग स्ट्रेस आपका 90 है इज इक्वल टू, यूनिट इसका क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ध्यान रहे इसीलिए इसको भी कन्वर्ट किए हैं, तो क्या होगा 600 × 10⁻³ क्या होगा, 3 होगा, डिवाइडेड बाय π/4, कैपिटल डी का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर स्मॉल डी प्लस 20, और इसका क्या है स्क्वायर भी होगा, क्योंकि कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी एज इट इज रहेगा स्मॉल डी का स्क्वायर। अब यहाँ से जब वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो सबसे पहले तो ये 4 को आप चाहे तो यहाँ से 4 को हटा करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल डी प्लस 20 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप कहेंगे 600 × 10³ × 4 डिवाइडेड बाय 90 × π, है ना। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, डी स्क्वायर होगा प्लस 20 स्क्वायर यानी 400 प्लस कितना होगा 40d होगा, और माइनस क्या होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अब 600 × 10³ × 4 डिवाइडेड बाय 90 π। अब यहाँ से देखिए डी स्क्वायर कैंसल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि कितना हो रहा है, तो आप 400 प्लस
40D इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर से जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से स्टूडेंट इसको जल्दी से सॉल्व कर लें तो देखिए कितना होगा ये वैल्यू। ये वैल्यू जो आपका आ रहा है 600 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना है 90 पाई। ये वैल्यू जो आ रहा है 8488, ये वैल्यू अप्रॉक्स आ रहा है 8488.2623 ऐसा वैल्यू आ रहा है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि D इज इक्वल टू जो होगा ये 400 को इधर से माइनस कर देते हैं तो माइनस 400 होगा तो देखिए कितना वैल्यू आ रहा है 8088.263 डिवाइडेड बाय कितना होगा 40 भी हो जाएगा तो 40 से डिवाइड भी कर दिए तो डिवाइडेड बाय 40 डायरेक्टली हो गया और ये वैल्यू आ गया 202.20। ये वैल्यू आएगा स्टूडेंट 202.20 mm। ऑब्वियस ना, देखिए कितना अभी जो डायमेंशंस निकला है ये डायमीटर इंटरनल डायमीटर है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है। तो अब एक्सटर्नल डायमीटर कैसे फाइंड होगा, अब कहेंगे सर इंटरनल निकल गया है एक्सटर्नल कैसे होगा, सो एक्सटर्नल डायमीटर है ना या आउटर डायमीटर, एक्सटर्नल डाया कहने का मतलब कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना स्मॉल डी प्लस 20। तो स्मॉल डी आ गया है 202.20 प्लस 20 हाउ मच, तो आप कहेंगे कि सर जो आ रहा है वो 2 है ना, 20 प्लस 2 0.20 mm इज योर आंसर डियर, इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपको हर एक न्यूमेरिकल में सिखा रहा है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपको सोचना है वो है किसके बारे में, यूनिट का ख्याल रखना है, यूनिट के बारे में समझना है, आंसर फाइनली आ ही जाएगा। आपको सॉल्व जो करना है बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे और आप स्पीड में भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और एक अच्छे स्टेज तक आप पहुँच पाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल में, इस सीरीज में जो है, इस लेक्चर में बस इतना ही तक, ठीक है। और भी आगे और भी आपको न्यूमेरिकल का सीरीज मिलेगा और भी न्यूमेरिकल डन करेंगे, तो तब तक आप मुस्कुराते रहिए। यदि आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे कि कैसा लगा, नहीं लगा, और किस टॉपिक पे आपको और भी न्यूमेरिकल चाहिए उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर चैनल पे आप नए होंगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चूँकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चैनल है, इस पर ढेरों सारा लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।